हेलो, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किसी को दोष नहीं देना, इसके बारे में ब्लेमिंग करना। देखो, आपको सक्सेस पाना है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना है, तो आपने कोई भी व्यक्ति को दोष देना या कोई भी सिचुएशन को दोष देना आपने बंद करना चाहिए। देखो, लाइफ आपका है, जिंदगी आपकी है, और जिंदगी आप क्षण क्षण में क्रिएट कर सकते हैं। क्षण क्षण में आपका चॉइस है। चॉइस कौन सा है? तो ये, आप अच्छा खाना खा सकते हैं, आप अच्छी जगह पे रह सकते हो, आप अच्छे व्यक्तियों के साथ में संबंध रख सकते हैं, आप अच्छा जॉब ले सकते हैं, आप प्रमोशन ले सकते हैं, प्रमोशन को ना बोल सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, अच्छी कंपनी में जा सकते हैं। फिर आप जो जो लोगों के साथ में रहते हो उनको आप, मतलब उनको आप बदल सकते हैं, वो लोग बदल के आप दूसरे लोगों के साथ में काम कर सकते हो। आप नौकरों को जो जो आपको लगता है कि जो काम नहीं कर रहा उसको आप निकाल सकते हो। मतलब आपको चॉइस है, जहां वहां जीने का, आपके मर्जी से। मगर हम क्या करते हैं, हम यूजली लोगों को ब्लेम करते हैं कि लोग टाइम पे आते नहीं, लोग मुझे मान सम्मान देते नहीं, लोग मुझे कोऑपरेट करते नहीं, ये जॉब तो ऐसा है, मेरा बॉस तो ऐसा है, मेरा बॉस मुझे कोऑपरेट नहीं करता, मेरे जूनियर्स मेरे को कोऑपरेट नहीं करते, ये वातावरण ऐसा है, घर के लोग ऐसे हैं, मतलब ऐसा बोलते जाएंगे। हमको क्षण क्षण में चॉइस है। जब हम कंप्लेन करते हैं, जब हम शिकायत करते हैं, इसका मतलब हमको ये लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा हमको मिल सकता है। जो भी चीज है उसके बारे में शिकायत कर रहे तो दो बातें होती है। एक बात यह है कि इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है ना? जैसा कि भाई ये जॉब है, इसके बारे में कंप्लेन कर रहा हूं तो मुझे अच्छा जॉब मिल सकता है। ये बॉस के बारे में मैं कंप्लेन कर रहा हूं तो वो नौकरी छोड़ के, वो कंपनी छोड़ के मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूं। मुझे जो जॉब कर रहा हूं अच्छा नहीं लगता तो वो भी छोड़ सकता हूं। जो भी, मतलब ये मकान मुझे अच्छा लगता है, मकान छोड़ सकता हूं, मैं दूसरी जगह पे जाके रह सकता हूं। तो जहां भी आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो मुझे मेरे पत्नी के साथ में मेरी नहीं पटती है, तो मुझे चॉइस है, एक तो पटाके लेना, नहीं तो उसके उसको बोलना कि ठीक है भाई, नहीं पटा है तो देखो भी क्या करना, डायवर्स ले लो। मैं तो मजाक से बोलता हूँ, एक तो पटाके ले लो, जो मतलब उसको उसको कन्विंस करो, उसको एनरोल करो, मतलब उसके साथ में बातचीत करो, जो भी करना है वो करो। समझो, पत्नी के साथ में आपकी पट्टी नहीं, तो पत्नी को आप मना सकते हो, पत्नी के साथ में बातचीत कर सकते हो, उसके उसको काउंसिलिंग के लिए लेके जा सकते हो, काउंसिलर के पास में, उसको साइकोलॉजिस्ट के पास में ले जा सकते हो। कुछ नहीं तो उसके साथ में झगड़ा करके उसको घर से निकाल, मैं मजाक में हरदम बोलता हूँ कि भाई उसके साथ में डायवर्स भी ले सकते हो। कंप्लेन क्यों करते हो? व्हाई डू यू कंप्लेन? लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके बारे में कंप्लेन क्यों करना है? उसको अच्छे अच्छे स्कूल में आप जॉब दे, मतलब उसको उसको अच्छे स्कूल में डाल सकते हो, अच्छी ट्यूशन लगा सकते हो, काउंसिलिंग करवा सकते हो। जो भी चीजें आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही है, वहां कंप्लेन करने की बजाय, शिकायत करने की बजाय, वहां आप एक्शन ले सकते हो। और होता क्या है कि हमको जिम्मेवारी लेनी नहीं है, हमको वहां एक्शन लेनी नहीं है। मतलब एक्शन लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमको एक्शन लेनी नहीं है, जवाबदारी डालने की है। फिर हम क्या करते हैं, उंगली उठाएंगे और उंगली उठा के बोलेंगे ये वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क नहीं कर रहा, वो वर्क नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ तो आप करो, क्योंकि जब जब हम किसी के बारे में शिकायत करते हो, तकलीफ हमको होती है, जान हमारी जाती है। पावरलेस जो है, शक्ति शक्तिहीन हम होते हैं, दिमाग हमारा खराब हो जाता है, नर्वसनेस हमको आता है, गुस्सा हमको आता है, तबीयत खराब किसकी होगी? मेरी तबीयत खराब होती है। तो समझो, हम रास्ते पे जा रहे हैं, हाईवे पे मैं जा रहा हूं, मैं फोर व्हीलर में हूं, कार में मैं हूं, मैं बाएं तरफ से कार चला रहा हूं, और हमारे देश में बाएं तरफ से कार चलाना बराबर है हाईवे पे। सामने वाला भी बाएं तरफ से कार उसने लाना चाहिए चलाने से, भी सामने वाले से ट्रक आ रहा है, सामने की ओर से ट्रक आ रहा है, अभी वो ट्रक ने उसके बाएं तरफ से आना चाहिए, और वो ट्रक इधर से जाएगा, मैं इधर से जाऊंगा, कुछ होगा नहीं। मगर वो ट्रक वाला यदि उसके राइट साइड से आता है, मतलब मेरे एग्जैक्टली अपोजिट साइड में आता है, और मैं ऐसा जा रहा हूं, मैं तो राइट हूं, मैं राइट हूं, तभी भी सामने वाला वो जो ट्रक ड्राइवर है वो सीधा मेरे आन पे आता है, तो मैं चिल्लाते बैठा हूं कि मैं राइट हूं, मैं सही हूं, मैं क्यों छोड़ना चाहिए, मैं तो बराबर हूं, और मैं ब्लेम कर रहा हूं कितने दिन तक मैंने ऐसा करना चाहिए। ये हरदम ऐसे ट्रक वाले करते हैं, ये रॉन्ग साइड चलाते हैं, वैसा करेंगे तो क्या होगा, सीधा एक्सीडेंट हो जाए। बस सिंपल सी ये बात है, सारी सीधी सारी बात ये है कि मैंने मेरी कार जो है बाजू कर लेना चाहिए। तो हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो कोऑपरेटिव नहीं है,
उनको सहायता नहीं करते, मगर हमको चलाना पड़ेगा। ब्लेम क्यों करना है? जो जहां भी आप ब्लेम करते हो वहां आप एक्शन डालते हो, आप कृति करते नहीं हो, जिम्मेवारी लेते नहीं हो, लोगों को ब्लेम करते रहे। तो आपको अच्छा जॉब मिल सकता है, आपको अच्छा बॉस मिल सकता है, आपको अच्छी कंपनी मिल सकती है, आपको तनख्वाह बढ़ा के मिल सकती है, आपको लोग अच्छे मिल सकते हैं, आपका मकान अच्छा हो सकता है, आपका एनवायरमेंट, आपका सिटी, सब कुछ अच्छा हो सकता है। वो आपका चॉइस है, और वो आप चॉइस यदि एक्सरसाइज करते हो तो आप अच्छा जीवन जी सकते हो। मगर हमको क्या करना है? हमको जिम्मेवारी लेनी नहीं है, हमको कृति करनी नहीं है। फिर करना क्या? बैठे बैठे चिल्ला के बैठना, बैठे बैठे कंप्लेन करते, बैठे बैठे शिकायत करते बैठना और बोलना ये वर्क नहीं कर रहा, ये बराबर काम नहीं कर रहा, वो बराबर काम नहीं कर रहा। तो यदि आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस चाहिए तो आपको करना क्या होगा? जहां भी आप हो वहां कहीं भी शिकायत नहीं करनी, कहीं भी शिकायत नहीं करनी है। और जो भी जैसे भी लोग हैं उनके साथ में मैं, उनके साथ में मैं कैसा काम कर सकता हूं, उनके जरिए काम कैसा निकाल सकता हूं, उनके साथ में मैं कैसा एडजस्ट कर सकता हूं, और वहां जिम्मेवारी लेके वो सिचुएशन को मैं कैसा ट्रांसफॉर्म करता हूं या बदल सकता हूं, ये मैं वहां खड़े रहकर देख सकता हूं, वो मैं काम कर सकता हूं, तो इससे मेरा जीवन अच्छा हो सकता है। बजाय मैंने वहां सिर्फ लोगों को ब्लेम करना, लोगों को शिकायत करना, ये अच्छा नहीं, वो काम नहीं करता, वो फलाना ऐसा है, वो ढमाता ऐसा है, मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा क्योंकि अभी मार्केट में बंदी है, मेरा धंधा नहीं चल रहा क्योंकि नोट्स जो है 500 1000 के नोट वो भी बंद हो गई है, मतलब ऐसा लोगों से बातचीत करना और लोगों को बोलते जाना कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मेरा लाइफ क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों चल नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा ऐसा है। सो जहां जहां आप कारण दे रहे हो, जहां जहां आप कारण देते हो कि ये ऐसा नहीं हो रहा है कारण की, या ऐसा नहीं हो रहा है उसका कारण ये, ये ऐसा नहीं हो रहा उसका कारण ये, वहां आप लोगों को ब्लेम करते हो, रीजंस दे रहे हो, बिकॉज दे रहे हो और जिम्मेवारी नहीं दे रहे। तो आज से आप जीना चालू करो कि भाई जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार मैं हूं, मैं किसी को दोष दूंगा नहीं, मैं किसी के बारे में शिकायत करूंगा नहीं, मैं जहां भी खड़ा हूं वहां मेरी लाइफ में, मेरे लाइफ का मैं निर्माण करूंगा, वो मेरे हाथ में है, मैं पूरा कंट्रोल मेरे लाइफ का मेरे हाथ में है, मैं जैसा चाहूंगा वैसी लाइफ होगी, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ऐसा मैं करूंगा, क्योंकि जो भी हो रहा है उसके लिए कारणभूत मैं हूं। ऐसा आप यदि घोषणा करते हो, यहां से आप जीते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ही शक्तिशाली होंगी और आप शक्तिशाली जीवन आपका जिएंगे और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।